हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 3/4/3 डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। ठीक है, पिछला मैंने वीडियो बनाया था 3/2 डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व, तो आप वो भी वीडियो पहले देख ले, उसके बाद ये देखें ताकि दायरा समझ में आए। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले आप 4/3 डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व जो हेडिंग है इसका डेफिनेशन ये आप समझे कि हेडिंग क्या मतलब क्या हुआ। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं 4/3। 4/3 यानी कि 4 मतलब हुआ कि यहाँ 4 पोर्ट है। पोर्ट मैं आपको बताऊंगा, जब आप फिगर देखोगे तो आप समझ जाओगे पोर्ट किसे बोलते हैं। और 3 का मतलब है 3 पोजीशन। ठीक है, पोजीशन मतलब या तो लेफ्ट मूव करेगा या राइट मूव करेगा या मिडिल में रहेगा। ठीक है, 3 पोजीशन होता है इसमें, एक राइट मूव करता है, एक लेफ्ट मूव करता है, एक सेंटर में जिसे क्लोज पोजीशन करते हैं। ठीक है, दूसरा टर्म है डायरेक्शन कंट्रोल। तो डायरेक्शन कंट्रोल का मतलब हुआ कि जो फ्लूइड का जो हम लोग डायरेक्शन होता है उसे कंट्रोल करते हैं, कब हमें राइट भेजना है, कभी लेफ्ट भेजना है, कब ऊपर भेजना है, कब नीचे भेजना है। तो ये हो गया डायरेक्शन कंट्रोल। और वाल्व, वाल्व मतलब हुआ कि नल, एक तरह के नल हुआ जिससे हम लोग फ्लूइड का जो है कितना अमाउंट में फ्लो करे या नहीं करे वो हम लोग डिसाइड करते हैं। तो चलिए मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ इसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो मैं क्लोज्ड पोजीशन दिखाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन आप समझ ले। ये जो है वाल्व है, 4/3 का वाल्व का डायग्राम है। इसमें जो है ये जो आप देख रहे हैं ये जो ब्लॉक्स हैं, ये 1, 2, 3, ये हम लोग इसे स्पूल कहते हैं। ठीक है, और ये जो अंदर जो होल है, ये जो होल है वो इसके अंदर जो स्पूल जो है रेसिप्रोकेट करता है। और जो मैंने पोर्ट की बात करी थी वो देखिए, ये पोर्ट है, एक आर पोर्ट है, एक बी पोर्ट है, एक पी पोर्ट है, एक ए पोर्ट है। तो इसीलिए इसको 4/3 कहा जाता है। 4 इसलिए कहा जाता है क्योंकि 4 पोर्ट है, और 3 इसलिए कहा जाता है कि 3 पोजिशन में मूव करता है, लेफ्ट राइट और एक सेंटर में। तो ये हमारा क्लोज्ड पोजिशन है। इसमें आप देख लें कि जो है ये जो वाल्व है या स्पूल जो कह लीजिए आप, स्पूल जो है ये कहाँ है, यहाँ इस पोजीशन पे है। तो अब देखिए कि इस पोजीशन में जब स्पूल रहेगा तो कोई हम लोग हमारा फ्लो कनेक्ट नहीं हो रहा है, ना आर बी से कनेक्ट हो रहा है, ना बी पी से कनेक्ट हो रहा है, ना पी जो है ए से कनेक्ट हो रहा है, कहीं से कोई कनेक्शन नहीं हो रहा है। तो हमारा कोई जो है फ्लो हमारा जो है वो नहीं होगा, इसमें फ्लो जो है वो हमारा बंद रहेगा इसमें, इसीलिए इसको क्लोज्ड पोजीशन कहा गया। अब हम लोग देखते हैं कि जब ये जो है हम लोग लेफ्ट की तरफ मूव कर दिए, पहले ये जो स्पूल था वो पहले यहाँ पे था। ठीक है, पहले जो था, अब मैंने पिक्चर दिखाया, पहले स्पूल यहाँ था। ठीक है, अब जो है ये डिस्प्लेस करके यहाँ आ गया है, और उसी तरह ये वाला यहाँ था तो आगे आ गया, और ये वाला पीछे था तो ये आगे आ गया है, मतलब लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है। तो जब लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है तो हमारा क्या हो गया, जो कनेक्शन जो है हमारा फ्लूइड फ्लो करने का, वो आप देखिए यहाँ पे कि ये देखिए यहाँ हमारा P जो देख रहे हैं आप, P से हमारा A कनेक्शन हो गया। ठीक है, फ्लूइड जो है P से A पास करेगा। ठीक है, पहला ये हो गया, दूसरा हो गया हमारा B से हमारा R जो है फ्लो करेगा। तो ये जो था जब लेफ्ट की तरफ स्पूल मूव कर जाता है, तब ये मूवमेंट का जो होता है, या तीन तरह का कनेक्शन होता है, या तो ये पुश टाइप होगा कि हम लोग इसको पुश कर देंगे तो ये मूव करेगा, या हमारा जो है लीवर की तरह रहता है, इस तरह एक लीवर होता है, उसको हम लोग लीवर को ऐसे खींचे या ऐसे खींचे तो ये शिफ्ट करेगा आगे पीछे, या हमारा सोलेनोइड होता है, वो इलेक्ट्रिकली ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक सिस्टम रहता है। ठीक है, और एक जो लास्ट जो पोजिशन है ये देखिए, ये पहले जो स्पूल जो था यहाँ था, ठीक है, वो डिस्प्लेस होके यहाँ आ गया है, राइट की तरफ मूव कर गया। तो उससे क्या हो गया हमारा कि हमारा ए से कनेक्शन जो है, ए से लेकर फ्लूइड ए से लेकर के पास हो जाएगा आपको आर तक। ठीक है, ए से आर तक हमारा एक कनेक्शन हो जा रहा है, और एक कनेक्शन हमारा पी से लेकर बी हो जा रहा है हमारा एक कनेक्शन। ठीक है, तो यही था हमारा 4/3 का कनेक्शन, किस तरह जो है शिफ्ट करने से हम लोग पोजीशन हमारा चेंज करेगा और जो फ्लूइड का जो डायरेक्शन था वो कंट्रोल होगा। तो इसी के मदद से हम लोग जो है डायरेक्शन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसका सिंबल दिखाता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट है। मैंने पिछला वीडियो में भी आपको बोला था, ये जो इस टाइप का टी सिग्नल होता है, यानी कि ये ब्लॉक है, यहाँ से पास नहीं हो रहा, और एरो का मतलब है जिधर एरो है उधर की तरफ फ्लूइड पास हो रहा है। तो फिगर देखिए, ये जो है हमारा 4 बाय
फोर बाई थ्री का ये हमारा बल्ब है, ठीक है, फोर बाई थ्री डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व है। तो यहाँ पे थ्री पोजीशन, ये फर्स्ट पोजीशन है, ठीक है, ये सेकंड पोजीशन हमारा है और ये हमारा थर्ड पोजीशन है। तो देखिए फर्स्ट पोजीशन में क्या था हमारा, फ्लूइड पी से ए की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, और बी से आर की तरफ नीचे आ जा रहा है। वही सेकंड पोजीशन हमारा पी से बी तक हमारा मूव कर रहा था और फिर ए से आर की तरफ, और जो हमारा क्लोज्ड पोजीशन था तीसरा वो हमारा बंद था, यानी कि कोई हमारा कनेक्शन फ्लो नहीं हो रहा है, उसलिए ये जो है साइन दिया गया। तो ये था आपका सिंबल। तो फ्रेंड्स होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो वीडियो था ये मैंने आपको इसका बताया, अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा मीटर आउट मीटर इन सर्किट सर्किट में स्टार्ट करूंगा, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था सर्किट के लिए, ठीक है। तो अगर मेरा आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।